नरेंद्र सलूजा जी, और मैं पूरी उम्मीद करती हूं, क्योंकि आधी आबादी बहुत गौर से आपको और आपके नेता को सुन रही है। जो रिपोर्ट हमने दिखाई अपने आप में बेहद शर्मिंदा करने वाली उनकी एक एक बात। और इसी सवाल के साथ विश्वास सारंग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उनका यह आरोप है कि दरअसल बीजेपी तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रही है, गलत तरीके से उनके बयान को पेश किया गया। जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं आज तक को बहुत बधाई दूंगा। आपने पूरा बयान उनका यहाँ सुनाया, अब इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति यही है, और नरेंद्र सलूजा जी जिस ढंग से उनको शेल्टर कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। चलिए, आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, देखिए नरेंद्र जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। नहीं, आप मेरी गलत बयान कोट कर रहे हैं। आप गलत कर रहा हूं। आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं, मैंने इसलिए बीच में बोल रहा हूं विश्वास जी। नरेंद्र जी, आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए, बैकफुट पर हैं, ये बोलना नहीं देना चाहते। ये बहुत जिम्मेदार है, मुझे मालूम है कितने जिम्मेदार है ये। नहीं तो आपके सर्टिफिकेट लूंगा विश्वास जी, विश्वास जी। इसलिए नहीं, आप चुप रहिए, आप मुझे बोलने दीजिए। नरेंद्र सलूजा जी, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। कितने जिम्मेदार है मुझे पता है? आप जिम्मेदार है क्या? आपके पास कोई जिम्मेदारी का सर्टिफिकेट है क्या? जो आप मेरा सर्टिफिकेट बताओ। चित्रा जी, आप आपका पक्ष रखिए। ये इनके संस्कार है, नैना साहनी को मारने वाले, सरला मिश्रा को मारने वाले इन्होंने, और कांग्रेस के नेताओं ने यही किया है। अरे राघव जी का चरित्र देख लो आप, उनका जोशी जी का चरित्र देख लो आप। चरित्र मत आओ, आपकी पार्टी के नेताओं का चरित्र बता दूंगा मैं, कितना चरित्र है। आज 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 जिस प्रकार से शर्मसार किया है पूरे समाज को, और चित्रा जी आपके इस प्रोग्राम की हेडिंग है शर्म करो नेताजी। सही मायने में हम जैसे नेताओं को शर्म आ रही है कि इस बिरादरी में इस तरह के लोग भी हैं जो एक नारी को, एक महिला को बच्चा पैदा करने वाली मशीन कहना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि मातृत्व कहा, यदि मातृत्व भी कहा तो उसका मतलब भी यही है कि वो यही मानते हैं कि 13 साल में किसी बच्ची को बच्चा हो सकता है, इसलिए उसको उसकी शादी कर दी जाए। आप किस किस युग में ले जाना चाहते हैं देश की राजनीति को? और बेशर्मी के साथ आप इस बात को मान रहे हैं कि हमारे नेता ने ये बात कही है। अरे आपको तत्काल प्रभाव से खंडन कर दूं, नहीं कही झूठ बोल दूं, उन्होंने ऐसी बात नहीं कही विश्वास जी। सज्जन वर्मा को पार्टी से निकाला जाना चाहिए, यदि कांग्रेस पार्टी सलूजा जी महिला अपने नेता के बयान पर आप लोगों को शर्म आ रही है या फिर नहीं आ रही है? पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है। उन्होंने गलत बयान की या फिर नहीं की, इस बात को स्वीकारिए आप। मैं स्वीकार रहा हूं कि इस तरह के शब्दों को कतई इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए बहन बेटियों के प्रति। और निश्चित तौर पर आपने ये बोला कि प्रजनन की जगह मातृत्व ठीक है, मतलब मातृत्व शब्द ये सज्जन मैंने नहीं कहा, सज्जन वर्मा जी का बयान आया, मैंने कोट किया है। बोला अरे आपने, आप बहुत दिव्य ज्ञानी है ना, बहुत जिम्मेदार है, आप बताइए प्रजनन की जगह यदि तो वो ठीक है क्या? बयान आया है, आप बताइए ना। आप सामने बैठे, आपने बोला ना आप बहुत जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी के, तो अब आप कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में बोलिए।